हेलो हेलो हेलो। लोग कहते हैं कि यूपीएससी का जो सिलेबस है वो एवरीथिंग अंडर द सन है, यूपीएससी कुछ भी पूछता है। ये बात पूरी तरह से गलत नहीं है, लेकिन ये बात पूरी तरह से सच भी नहीं है। अगर आप यूपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन एक तरफ देखेंगे और सिलेबस दूसरी तरफ देखेंगे, यानी उस दोनों का एनालिसिस करेंगे, तो आप पाएंगे कि देयर इज ए मेथड इन मैडनेस। और अगर आप इस मेथड को समझ पाते हैं तो फिर आपको मेंस के प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। सवाल यह है कि क्या PYQ एनालिसिस, क्या सिलेबस का एनालिसिस आपको मेंस के लिए कुछ स्पेसिफिक फोकस एरियाज को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है क्या? अगर वो करेगा तो फिर वो आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा, आपका समय बचाएगा। तो देखते हैं कि करता है कि नहीं करता है। ओके, लेट्स सी। ये यूपीएससी का GS3 का सिलेबस है। GS3 जिसका कि पार्ट इकोनॉमी है, इंटरनल सिक्योरिटी है, साइंस एंड टेक है, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट है। तो आज हम लोग इसके इकोनॉमी पोर्शन पर ध्यान देंगे। ओके, लेट्स सी कि इसका इकोनॉमी पोर्शन जो है ऑलमोस्ट 10 सब पार्ट्स में डिवाइडेड है। अगर आप काउंट करें, इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटेड टू प्लानिंग 1, इंक्लूसिव ग्रोथ 2, गवर्नमेंट बजटिंग 3, ऐसे ही आप काउंट करेंगे तो इन्वेस्टमेंट मॉडल तक, स्टार्ट से लेकर इन्वेस्टमेंट मॉडल यहां तक टोटल 10 सब पार्ट्स हैं सिलेबस के। ठीक है, लेट्स पिक अप वन ऑफ द सब पार्ट्स। ओके, आई हैव पिक्ड अप दिस सब पार्ट। ओके, इश्यूज रिलेटेड टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज एंड उस सब पार्ट को पकड़ते हैं, सिलेबस का सब पार्ट को प्रीवियस ईयर देखते हैं और कोशिश करते हैं कि क्या हमको कुछ दिखता है, क्या कैन वी सी समथिंग डीपर। ओके, लेट्स हैव अ लुक। यही है पार्ट ऑफ यूपीएससी GS3 सिलेबस जिसके बारे में कि हम बात कर रहे थे। ये वाला सब पार्ट को हम देखते हैं, इश्यूज रिलेटेड टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज। ओके, नोट दीज थिंग्स वेरी वेरी क्लियरली, बहुत अटेंटिव होकर के इसको ध्यान दीजिए, क्योंकि जब हम नेक्स्ट स्लाइड में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे तो फिर आपको जो है वो एक ब्रह्मज्ञान सा मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड ऑब्जेक्टिव फंक्शनिंग लिमिटेशन रिवैम्प, इशूज ऑफ बफर स्टॉक, फूड सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी मिशन, इकोनॉमिक्स ऑफ एनिमल रियरिंग। ओके, तो ये सिलेबस में लिखा हुआ है, मतलब ये कोई टॉप सीक्रेट नहीं है, ओपन है, सबको पता है, यही है। ठीक है, नाउ लेट्स हैव अ लुक एट अनदर सबको पता है वाला चीज, वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यूपीएससी पहले क्या पूछ चुकी है। इस टेबल को ध्यान से देखिए, इस टेबल में है क्या चीज कि यहां पर क्वेश्चन आस्क्ड बाय यूपीएससी है, यूपीएससी जो इस तरफ यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछी है यहां पर है कि सिलेबस में क्या चीज वो बोल रही है, पहले से क्या बोल रही है, क्या पूछेंगे, और यहां पर है क्वेश्चंस आस्क्ड बिफोर दैट ईयर। ठीक है, तो उस साल से पहले क्या क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मतलब अगर 2023 का हम क्वेश्चन देख रहे हैं तो क्या 2023 से पहले 2022 में, 21 में, 20 में कभी भी उसी टाइप का कोई क्वेश्चन पहले पूछा गया है क्या? ओके, मतलब क्या प्रीवियस ईयर का जो एनालिसिस है क्या वो हमको प्रेडिक्ट करने में मदद करता है क्या, वो हम देखने का कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन 2023 में, 2023 में उस पार्ट से क्वेश्चन क्या पूछा हुआ था, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सब्सिडीज प्रोवाइडेड टू फार्म सेक्टर। ओके, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, 2023 में, एंड इट वॉज रेज्ड बाय WTO रिलेटेड टू एग्रीकल्चर सब्सिडीज इन इंडिया। ये दोनों एक ही क्वेश्चन का पार्ट था। Now let's have a look at syllabus. Syllabus में क्या है, issues related to direct and indirect farm subsidies. मतलब directly syllabus में बोल रहा है कि direct and indirect farm subsidies important है, हम यहां से पूछेंगे, और वही चीज पूछ रहा है। ठीक है, मजा तो और भी ज्यादा तब आएगा जब आप 2013 का क्वेश्चन देखेंगे, 2013 में। ठीक है, यूपीएससी पहले क्या पूछ चुका है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर सब्सिडीज गिवन टू फार्मर्स। ठीक है, तो 2013 में डिफरेंट टाइप्स बोला, वो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सब्सिडी बोला नहीं, बट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर सब्सिडीज।
2023 में पूछ रहा है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सब्सिडीज प्रोवाइडेड टू फार्म सेक्टर। ठीक है, मतलब आप देख सकते हैं कि अगर कोई 2013 का ये क्वेश्चन प्रिपेयर करके गया होगा, इस पर नोट्स बनाकर गया होगा, लिख के गया होगा, तो वो इस क्वेश्चन को एकदम डायरेक्टली आसानी से लिख पाया होगा। ओके, 2013 के उसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट देखिए, डिस्टॉर्शन कॉस्ट बाय द एग्रीकल्चर सब्सिडी रिजीम्स। एग्रीकल्चर सब्सिडी का ऑफकोर्स इसका अपना बेनिफिट्स है, लेकिन जो इसका क्रिटिसिज्म करते हैं, जो बोलते हैं कि भाई एक लिमिट होना चाहिए या एग्रीकल्चर सब्सिडी सोच समझ के देना चाहिए क्योंकि इसका अपना साइड इफेक्ट है, ठीक है, तो उसके बारे में 2013 में पूछा हुआ है। 2023 में क्या पूछा, इश्यूज रेज्ड बाय WTO रिलेटेड टू एग्रीकल्चर सब्सिडीज इन इंडिया। तो ये रिलेटेड चीज है कि एग्रीकल्चर सब्सिडीज जो मार्केट को डिस्टॉर्ट करता है उसी से रिलेटेड WTO जो है, WTO का कंसर्न है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि अगर आप 2013 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके गए होते, या अगर आप सिलेबस का ये जो पॉइंट है सिलेबस में लिखा हुआ उसको प्रिपेयर करके गए होते, तो 2023 का ये क्वेश्चन जो है आपके लिए एक तरह से प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन था। और ये बात बस 2023 का नहीं है, लेट्स हैव अ लुक एट क्वेश्चन फ्रॉम द सेम सब पार्ट 2022 में। क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, मेजर चैलेंजेस ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 2022 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मेजर चैलेंजेस ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड हाउ टू मेक इट इफेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का मेजर चैलेंज है क्या और इसको कैसे मोर इफेक्टिव मोर ट्रांसपेरेंट बनाया जाए। लेट्स हैव अ लुक एट सिलेबस ऑफ UPSC। सिलेबस में डायरेक्टली लिखा हुआ है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑब्जेक्टिव फंक्शनिंग लिमिटेशंस रिवैम्पिंग। ठीक है, मेजर चैलेंजेस आपसे पूछा है और सिलेबस में बोल रहा है कि आपको PDS सिस्टम का जो लिमिटेशंस है उसके बारे में प्रिपेयर करना है, उसका फंक्शनिंग जो है उसको प्रिपेयर करना है कि कैसे फंक्शन करता है, उसमें क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, एंड रिवैम्पिंग हाउ वी कैन इम्प्रूव इट। ठीक है, और वही चीज क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो सिलेबस जो है वो क्लियरली आपको बता रहा है कि भैया हम क्या पूछेंगे। UPSC डायरेक्टली सिलेबस को देख करके आपको बोल रहा है। 2019 में जो क्वेश्चन पूछा, देखिए 2022 का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अब हम देखते हैं कि क्या 2022 से पहले कुछ इसी टाइप का पूछा है कि नहीं, मतलब कैन वी मेक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एज ए गाइड। तो देखिए 2019 में क्या पूछा था, रिफॉर्मेटिव स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू मेक फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मोर इफेक्टिव। कि सरकार जो है वो फूड ग्रेन सिस्टम को मोर इफेक्टिव बनाने के लिए क्या रिफॉर्मेटिव स्टेप्स ले चुकी है या ले, ठीक है, टेकन बाय क्या ले चुकी है। ठीक है, तो अगेन वही है कि PDS सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए सरकार क्या कदम उठा चुकी है, ये 2019 में पूछा है। 2022 में पूछ रहा है कि हाउ टू मेक इट मोर इफेक्टिव। 2022 में बोल रहा है कि आप बताओ कि इसको कैसे हम इफेक्टिव करें। ठीक है, तो थीम जो है वही है कि चैलेंज आप समझिए, सरकार क्या कदम उठा रही है ये आप समझिए, और क्या किया जाए इसको ट्रांसपेरेंट और इफेक्टिव बनाने के लिए वो आप बताइए। ठीक है, तो सिंपल सा तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का यूटिलिटी सेम चीज, मतलब बार बार बोला जा सकता है। आप 2021 में देख लीजिए, फीचर्स ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ठीक है, एंड हाउ इट हेल्प्ड इन एलिमिनेटिंग हंगर एंड माल न्यूट्रिशन, ये 2021 में पूछा है। सिलेबस में क्या बोल रहा है, इशू ऑफ बफर स्टॉक एंड फूड सिक्योरिटी। आप जब भी आप फूड सिक्योरिटी पर कहीं भी पढ़ेंगे, इंडिया के फूड सिक्योरिटी पर, चाहे आप कोई भी किताब उठा लें, कोई भी नोट्स उठा लें, तो आपको ये क्लियरली हर मतलब तुरंत ही आपको दिख जाएगा कि फूड सिक्योरिटी से डील करने के लिए इंडिया के पास जो लॉ है वो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट सिलेबस से पूछा हुआ क्वेश्चन आप कह सकते हैं। ठीक है, और 2013 में अगर आप देखेंगे, यानी 2021 से पहले, 2013 में क्वेश्चन पूछा हुआ है फूड सिक्योरिटी बिल पर, जिस समय ये बिल डिस्कस हो रहा है। ठीक है, तो फूड सिक्योरिटी बिल क्या है और इसके इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन पर क्या एप्रिहेंशंस है, मतलब उस समय लोग बोल रहे थे कि भाई चैलेंज है, क्या चैलेंजेस हैं, उस पर क्वेश्चन 2013 में पूछा है। WTO में ये कैसा हल्ला हंगामा उस समय मच रहा था फूड सिक्योरिटी बिल पर, उस पर सवाल 2013 में पूछा है। और 2021 में पूछ रहा है इसके फीचर्स क्या है। ठीक है,
और ये कैसे हेल्प किया। तो आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि बहुत बहुत बार आपको डायरेक्टली जो सिलेबस में लिखा हुआ है वहाँ से सवाल आ रहा है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो थीम आपको दिख रहे हैं वो थीम फिर से इस फॉर्म में या उस फॉर्म में रिपीट होकर के आ रहा है। ठीक है, आप आगे भी देख सकते हैं 2018 का में देख सकते हैं कि मीनिंग ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस पूछा हुआ है, ठीक है, 2018 में, और ये किसानों की कैसे मदद करता है। सिलेबस में भाई सीधे सीधे लिखा हुआ है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, क्लियरली लिखा हुआ है, तो कोई नई बात, ऐसा कोई ये नहीं कि आप एग्जाम हॉल में देखे अरे ये क्या पूछ दिया, ऐसा नहीं है, सिलेबस में लिखा हुआ है। ठीक है, सिमिलरली 2015 का जो क्वेश्चन है रिप्लेसमेंट ऑफ प्राइस सब्सिडी विथ डीबीटी, ठीक है, कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का उस समय बहुत ज्यादा बात चल रहा था, तो उसको मतलब कैसे डीबीटी जो है हेल्पफुल होगा, उस पर क्वेश्चन पूछा हुआ है, और सीधे सीधे हमारा थीम है सिलेबस में मेंशनड है इशू रिलेटेड टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज। ठीक है, तो ये क्लियरली आपको हिंट दे रहा है कि सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साथ में एक ये भी चीज है कि ऐसा नहीं है कि मतलब सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 100% आपको मदद करेगा, 100% नहीं करेगा, बट आपको जो है एक एक फोकस एरिया आइडेंटिफाई करने में मदद करेगा, एक प्रायोरिटी सेट करने में मदद मिलेगा कि भाई अगर टाइम कम है या पहले किस पर फोकस करें। ठीक है, मे बी आप उससे आगे भी पढ़िए, जरूर पढ़िए, ठीक है, लेकिन पहले इतना तो कर लीजिए। ठीक है, तो मिनिमम प्रिपरेशन आपका कितना हो वो डिसाइड करने में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिलेबस जो है वो बहुत ज्यादा मदद करते हैं, वो कर लीजिए, उसके बाद समय बचे और आगे कीजिए। ठीक है, उस लिमिटेशन को दिखाने वाला ये क्वेश्चन है कि पोस्ट इंडिपेंडेंस रिवॉल्यूशन इन एग्रीकल्चर क्या है, 2017 में पूछा हुआ है पोस्ट इंडिपेंडेंस रिवॉल्यूशन। ऑफकोर्स मतलब एक तो ये कि जनरल क्वेश्चन था ये पोस्ट इंडिपेंडेंस रिवॉल्यूशन, अगर कोई थोड़ा सा भी पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया का हिस्ट्री पढ़ा है या फिर एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा है तो इसका जवाब दे सकता था, बट ये डायरेक्टली सिलेबस में मेंशन नहीं है। अभी तक हम लोग जितना चीज देख रहे थे, चाहे MSP देखें या PDS देखें या सब्सिडी देखें, वो डायरेक्टली सिलेबस में मेंशन है, लेकिन पोस्ट इंडिपेंडेंस रिवॉल्यूशंस ये मेंशन नहीं है, और इससे रिलेटेड कोई ऐसा क्वेश्चन जो है वो पहले पूछा भी हुआ नहीं है। ये एक लिमिटेशन है कि आप 100% आपको मदद नहीं करेगा, लेकिन आपको जो है वो इनिशियल प्रायोरिटी सेट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो ये आप क्लियर रखिए, व्हाट वी ऑब्जर्व्ड फ्रॉम PYQ एंड सिलेबस एनालिसिस, टेक होम मैसेज क्या है इस वीडियो का, टेक होम मैसेज, सिंपल टेक होम मैसेज एक तो ये है कि हेल्प्स इन सेटिंग प्रायोरिटी। तो अगर कोई चीज़ सिलेबस में है, अगर कोई चीज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में है, तो वो आपको उसको आप प्रायोरिटाइज कीजिए, मतलब इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और दूसरा चीज़ आप ये देख रहे हैं कि जब आप जिस सब पार्ट का हम देख रहे थे उसमें देखें कि मोस्टली थीम जो है वो स्टैटिक था उस वाले सब पार्ट में, तो जो सब्सिडी वाला सब पार्ट है UPSC के सिलेबस का, उसमें मोस्टली स्टैटिक थीम इन दैट सब पार्ट, कि जो सिलेबस में मेंशन है उससे रिलेटेड जो भी इशू है उसको प्रिपेयर कर लीजिए, अधिक संभावना है सवाल वहीं से आएगा। ठीक है, दैट्स वन थिंग। अब एक चीज आपको नोट करना है कि ये मोस्टली स्टैटिक थीम उस सब पार्ट का था, जरूरी नहीं है हर सब पार्ट की यही कहानी नहीं है। ठीक है, 4-5 सब पार्ट ऐसे हैं जो 10 टोटल सब पार्ट्स हैं GS3 का जो इकोनॉमी पोर्शन है उसके, उसमें 4-5 सब पार्ट ऐसे हैं जिससे मोस्टली स्टैटिक वही थीम बार बार आता है। ठीक है, और कुछ सब पार्ट ऐसे हैं जहां से कि मोस्टली जो है वो करंट में जो थीम रह रहा है उससे क्वेश्चन आता है, चाहे वी शेप्ड ग्रोथ की बात हो या फिर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है उससे सवाल हो, तो ऐसा करके आता है। तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा सब पार्ट में करंट पर ध्यान देना है, कौन सा सब पार्ट में स्टैटिक पर फोकस करना है। एक बार आप आइडेंटिफाई कर लिए फिर उस हिसाब से अपनी तैयारी को आगे ले जाना है। ठीक है, आप लोग के लिए ये वीडियो देखने के बाद टास्क क्या है, एनालाइज PYQ एंड सिलेबस फॉर ऑल सेक्शंस ऑफ इकोनॉमी सिलेबस। ठीक है, GS3 में जो इकोनॉमी का 10 सब पार्ट्स जो हम देखे उसके सारे को आप एनालाइज कीजिए। ठीक है, एक
पार्ट को हम आपको एनालाइज करके बता दिए हैं, बाकी सारे को आप एनालाइज कीजिए, ठीक है। ऑफ कोर्स अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए एनालाइज करें यहाँ पर, तो आप कमेंट में बताइए कि हम आपके लिए एनालाइज करें, तो मे बी कुछ और सब पार्ट्स को हम एनालाइज करेंगे। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू ऑल्सो डू दिस एक्सरसाइज ऑन योर ओन, एटलीस्ट ट्राई टू डू दैट, ओके। वी विल प्रोवाइड यू विद द एनालिसिस इफ यू डिमांड सो, ठीक है। दैट्स वन। एंड सेकेंड इज टास्क फॉर यू इज क्लासिफाई सेक्शंस ऑफ यूपीएससी इकोनॉमी सिलेबस इनटू स्टैटिक हैवी एंड करेंट हैवी। क्लियरली जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे तो आप पाएंगे कि देर आर सम सेक्शंस विच आर स्टैटिक हैवी एंड देर आर सम सेक्शंस विच आर करेंट हैवी। आइडेंटिफाई दैट, क्योंकि वो आइडेंटिफिकेशन आपको मदद करेगा कि कहां पर कैसे प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो फिर आपकी तैयारी जो इसको स्मार्ट प्रिपरेशन कहते हैं वो स्मार्ट प्रिपरेशन है। और ठीक है, हम आपको इतना सारा चीज तो बता दिए, बट एक चीज साथ में ये है कि चैलेंजेस क्या है पीवाईक्यू एनालिसिस का, और एडुकेमी का जो मेन सपोर्ट प्रोग्राम है वो आपको कैसे मदद करने वाला है, ठीक है। चैलेंजेस पीवाईक्यू एनालिसिस का, एक चैलेंज सबसे बड़ा तो ये है कि पहला तो ये कि लोग बोलते कि ये भाई ये 100% सब यही है। ऑफकोर्स 100% नहीं है, ठीक है। तो एक बड़ा चंक जरूर है जहां पर कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और पीवाईक्यू एनालिसिस हेल्प करता है, ठीक है। टाइम मिलने पर आप उसके बियॉन्ड भी जा सकते हैं, बट प्रायोरिटी वहां पर है। दूसरा चीज ये कि जो पैटर्न कितनी बार जो एस्पिरेंट्स इनिशियल फेज में होते हैं या फिर जिनका कि GS3 जो है वो स्ट्रॉन्ग एरिया नहीं है, तो उनको हो सकता है कि वो पैटर्न तुरंत में दिखे नहीं, बिकॉज देयर आईज आर नॉट ट्रेंड टू लुक एट द पैटर्न, ठीक है। तो वो पैटर्न आपको कैसे पता चलेगा, कैसे दिखेगा, तो यहाँ पर जो एडुकेमी का मेन सपोर्ट प्रोग्राम है वो काफ़ी मदद करता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सबके एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है। उन्होंने अपना टाइम उसी सब्जेक्ट में दिया है, तो उनका दिमाग ट्रेंड हो चुका है, तो वो देख पाते हैं, वो आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि क्या पैटर्न जा रहा है, कितना डीप में जाना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्वेश्चंस भी उसी हिसाब से फ्रेम होते हैं। तो आपका काम जो है वो एडुकेमी का मेन सपोर्ट प्रोग्राम बहुत ही आसान बना देता है, बोथ थीम एनालिसिस में, आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवाने में, आपको फीडबैक देने में, आपको मॉडल आंसर देने में, इस सब में, ठीक है। इकोनॉमी फॉर यूपीएससी बाय एडुकेमी हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, इनफैक्ट कीजिए, जिससे कि होलिस्टिकली जो आपका तैयारी है प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए वो एकदम बेसिक लेवल से होगा। और अगर आपका कोई डाउट होगा तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं, ये ग्रुप है, ठीक है, तो आप आराम से क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिसका कि आपको समाधान भी मिलेगा। मिलते हैं आपसे, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।